गए। अरे 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 सुनिए तो भगवान, क्या आप भी बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं? अरे चुप रहो, ये कोई ऐसी वैसी बात है क्या? अरे सोमनाथ, राजेश्वर, देवेंद्र, सब लोग कहाँ गए हो? यहाँ आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जरा आराम से, कुछ तो उम्र का ख्याल रखो। क्या बात है मालिक, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये शुभ समाचार जब तक मैं सबको नहीं सुना दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर सबसे पहले मैं चंदा माँ को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को मिलेगी। चंदा माँ! क्या हुआ छोटे लाल, क्या हुआ? अरे रुको रुको, मुंबई में हमारी बेटी ठीक है? मुझे देखकर भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसी होगी। अब तुम बताओ चंदा माँ, हमारे घर में माता जय जम्मा की शादी के अलावा तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? शुभ कार्य है। क्या हो सकता है? शुभ कार्य से तुम्हें बहुत खुशी होगी। बेटी की शादी पक्की हो गई? हाँ पक्की हो गई। अरे वाह। पहले उस शादी का मुहूर्त और अब इस बेटी की शादी का मुहूर्त। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। शादी तय हो गई है, मेरी बच्ची की शादी तय हो गई है। भगवान! राजा साहब, ये तो आपकी नौकरानी है, फिर भी आपको छोटे लाल कहकर बुला रही है वो? हमने कभी उन्हें अपनी नौकरानी नहीं माना भाई। अरे हमारे खानदान की ये सबसे बुजुर्ग महिला है। हे भगवान, जय जम्मा की लगन पत्रिका, अब उसकी कुंडली मिलाकर देखती हूँ। पोती की शादी के लिए आपका खुश होना समझ में आता है, पर दादा होकर उसे इतना सम्मान देने की बात समझ में नहीं आती। हमारी माता जय जम्मा के जाने के बाद से हमारे खानदान में अगली 3 पीढ़ियों तक कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई। इनके जन्म लेने के बाद हमारी माता का नाम इन्हें दिया गया, इसलिए उन्हें दिया जाने वाला सम्मान इन्हें भी दिया जाता है। मुहूर्त पढ़ो पढ़ो छोटे लाल, पढ़ो। हाँ, चंद्र पूर्णिमा की पंचमी। हाँ, हाँ, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा? हाँ, मृगशिरा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न, वही लग्न है। प्रातः 6:14 का मुहूर्त है। तुम्हारी माँ ही तुम्हारी पोती के रूप में जन्मी है, इसीलिए उनकी शादी जिस मुहूर्त में हुई इसका भी वही मुहूर्त है। जय जम्मा माँ की शादी जिस तिथि में हुई वही तिथि अरुंधति की है। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश है, देखिए ना शहर में घुसते ही शुरू हो गई। जरा संभल कर चलाइए ना, वहाँ पर साहब का परिवार और चंदा माँ सभी इस लग्न पत्रिका का इंतजार कर रहे होंगे। सुशीला, हम किस्मत वाले हैं ना जो ये काम हम कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, ये हमारी मालकिन अरुंधति की। सुशीला, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था जी? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या था? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। किसी बड़े आदमी की हवेली लगती है। चलो वहाँ चल के फोन करते हैं। ए, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग वहाँ मत जाओ, कार का एक्सीडेंट हो गया है जी, फोन करने जा रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो जो दिख रहा है वो, मैं कहता हूँ वापस जाओ, फोन करना बहुत जरूरी है, आओ चलो। ए! पता नहीं क्यों रोक रहा था, शायद कोई पागल था। आओ अंदर आओ। आ,
हमारी कार का एक्सीडेंट। मैं सब जानती हूँ, इसे अपना ही घर समझो। अंदर आओ। ये तो राजमहल लग रहा है। सच कहा। कहाँ गए वो? ये हमारा राजमहल ही है, मेरे बेटे का राजमहल। मेरे बेटे को यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर वो अरुंधति वहाँ शादी करने चली है। नहीं छोड़ूंगी। सुशीला, 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 सुनिए ना। मैं यहाँ पर हूँ जी, सीढ़ियों से ऊपर आइए ना। सुनिए जी, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ। इसके अंदर सुशीला वहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी समाधि है। समाधि? समाधि है जी, समाधि। कैसी समाधि? अब तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालो? इसे तोड़ दीजिए ना। तुम इसके अंदर कैसे गई? ज्यादा बातें मत करो, इसको तोड़ो। अरे बाप रे, अंदर बहुत अंधेरा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ जी। तोड़ दीजिए ना, तोड़ दीजिए ना इसे, इसे तोड़ दीजिए ना। तोड़ इसे, तोड़ इसे, इस समाधि को तोड़ दे। इस समाधि को तोड़ दे। तोड़े समाधि को। बिट्टन विड़िपिंचु, अंदर कुछ दानि चरणించి విడిపించు। అందరి చరణించి విడిపించరా, విడిపించు, విడిపించరా। अरुंधति, कितने साल रहूंगा मैं इस कारावास में? 80 साल से बच्चे की आग में चलते चलते पागल होता जा रहा हूं मैं, पागल। बदला। ए अरुंधति, तू शादी करेगी? तूने मुझे समाधि में सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरी मोमबत्ती। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, अपना बदला जरूर लूंगा। प्रतिशोध लिए बिना मरने वाला व्यक्ति प्रेतात्मा बन जाता है, और जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए वो इस दुनिया से नहीं जाता। चाहे कितने भी युग क्यों ना बीत जाएं, वो करता है इंतजार।
अरे अरुंधति बेटी। अरे अरुंधति कहाँ हो तुम? ऊपर तैयार हो रही है। नमस्कार प्रसाद जी। हाँ हाँ राजू भाई नमस्कार, नमस्कार। अपनी बेटी की मेहंदी रस्म का फंक्शन बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं आप। इकलौती बेटी है ना, इतनी जल्दी बेटी की शादी तय हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कुछ नहीं राजू भाई, अरुंधति बेटी की शादी जीजा जी इतनी धूमधाम से कराएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। भैया पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा का समय हो गया है। ठीक है माँ लक्ष्मी। हाँ जी। पूजा का समय हो गया है, अरुंधति कहाँ? ऊपर तैयार हो रही है जी। बेटी अरुंधति। ढोला रे ढम, अरे आया खुशी का मौसम। ढोला रे ढोला रे ढम, नाचो रे नाचो रे दम। सोनिए बनी तू सिर्फ मेरे लिए, मैनों ने जो तुझसे वादे किए मैं निभाने आया हीरिए। तुझको लेने आया प्यार तेरा, सच करने हर एक सपना तेरा।
अरे मोमबत्ती, अब कले से फूल बन गई है तू। मेरी भूख मिटाने की उम्र हो गई है तेरी। थोड़ा थोड़ा निचोड़ कर तेरा सारा रस पी जाऊंगा। बुलाऊंगा तुझे राजमहल में बुलाऊंगा। अरे जल्दी 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 करो, शाम 4 बजे तक मुंबई पहुंचना है हमें। पर अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई। हमारी जयजम्मा माँ के जेवर अरुंधति को बहुत पसंद है। किस्मत वाले हैं गहने, इन्हें तो लेकर ही जाना पड़ेगा। क्या बात है, अभी भी एकदम नए लगते हैं। ऊपर से पिताजी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। देखते हैं। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी गिर गए हैं बेटी। आप घबराइए मत दादी, मैं अभी वहाँ आती हूँ। नहीं बेटी, पंडित जी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है, हम जाके उन्हें ले आते हैं। पता नहीं वहाँ दादाजी कैसे होंगे और आप फालतू की बातें कर रही हैं। तो तू आ ही गई। आई है लेकिन राजगढ़ से वापस नहीं जाने दूंगा। आप क्या छोटे बच्चे हैं दादाजी जो उछल कूद कर रहे थे? बिल्कुल नहीं जी, मैं ना तो उछला ना ही कूदा। तो क्या आपको किसी ने धक्का दिया? ऐसा ही लगा मुझे भी, लेकिन पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, अब आप हमारे साथ मुंबई चलिए। हाँ हम लोग भी तो यही बोल रहे हैं बेटी कि अब बीच में मत बोलो। दादाजी आप बीच में मत बोलिए। वो क्या है ना? हाँ बोलिए क्या बात है। वो ना, वो क्या? यहाँ पर अपनी जमीन है, जायदाद है, और जो लोग हम पर आश्रित हैं उनका ख्याल भी तो रखना होता। मैंने है कहा था ना सबका ख्याल रखने के लिए आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। हाँ, कहा तो था। फिर वो क्या है ना जजा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलने की तैयारी करिए। चलिए ठीक है, मैंने कहा ना आप ही चलिए। कहा था तो जाइए तैयारी करिए। हमारा छोटे लाल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ जजम्मा के सामने तब भी बच्चा था और अब भी। चंदा माँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी बेटी। अपनी शादी के मुहूर्त के बाद तुम पहली बार अपने साम्राज्य में आई हो ना। जय जम्मा माँ का आशीर्वाद ले लो बेटी। चंदा माँ बाद इस घर में जो भी पहली लड़की होगी उसे मेरा नाम ही देना, क्योंकि उस रूप में मैं ही जन्म लूंगी। माता तुमने वचन दिया था तुम दोबारा जन्म लेकर इस साम्राज्य में वापस आओगी। तुमने वचन निभाया माता, वचन निभाया। चंदा माँ वचन निभाया। चंदा माँ जयजम्मा कहीं नहीं गई है, वो हमेशा हमारे साथ है। हाँ बेटी वो हमेशा हमारे साथ है। सुशीला छोड़ो मुझे, सुशीला उस महल में है। सुशीला सुशीला महल में, दूर से सुशीला उसे लाना होगा। इसको यहाँ से ले जाओ। सुशीला मेरी सुशीला वहाँ पर है, मुझे सुशीला को लाना। चलो चलो मुझे मेरी। ये क्या
राजन को ये क्या हो गया? लग्न पत्रिका लाते समय पुराने महल के पास इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुशीला का नाम क्यों ले रहा है? इसकी बीवी का क्या हुआ? पता नहीं उसका क्या हुआ। इसका कोई इलाज नहीं करवा रहे हैं? ऐसी बीमारी और भूत प्रेत की छाया की झाड़ फूक करके इलाज करने वाला एक फकीर है, हम आज ही इसे उनके पास भेजने वाले हैं। फकीर? सलाम अलैकुम अनवर भाई। सलाम सलाम। नमस्ते फकीर बाबा। नमस्ते। बच्चे लोग ले लो ले लो, तुम भी ले लो। फकीर ले लो। बाबा, तुम तो मुसलमान हो ना, तो दरगाह के पास बांटी जाने वाली बूंदी की मिठाई मंदिर के सामने क्यों बांट रहे हो? अल्लाह की इबादत चाहे कोई कैसे भी करे, पर भूख तो सबको एक जैसे ही लगती है। भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कहीं भी बांट सकता है। राधिका जी हा? ये खाओ खाओ, सब लोग बेहिचक खाओ। अहर रामू, धंधा ठीक चल रहा है ना? फकीर बाबा, फकीर बाबा, कल रात इसने कोई बुरा सपना देखा, तब से इसने पेशाब नहीं की है। माँ अगर बच्चे को रात भर अपने से दूर रखेगी तो बच्चा अकेले में डरेगा नहीं, तो और क्या होगा? हाँ बाबा, कोई बात नहीं। सू करो बच्चा। पेशाब कर दी बाबा। शैतान भी पेशाब के साथ बह गया, चल जा। अल्लाह अच्छा करेगा, बजरंग बली रक्षा करेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। आजा मेरी महबूबा, छोड़ो छोड़ो। इसका शरीर छोड़ दे शैतान। चुप, कौन है तू? मैं इस लड़की का प्रेमी हूँ, इसने मुझे धोखा दिया और शादी नहीं की, मैं इसे मार डालूंगा। तो भूतों की भी लव स्टोरी होने लगी? बेहम कर अल्लाह, चल तू, चल चल अंदर, चल नहीं रहिए अंदर, चल चल अंदर। छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शैतान से इसकी इसकी रक्षा करना। याली, ये अल्लाह की पाक खाक, शुद्ध पिशाच इस खाक को पार नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए अल्लाह का घर है और तू जैसों के लिए कर। ऐ चुप कर, ऐ इसके अंदर जा, इसके अंदर जा, जा, ऐ छोड़ दे इस शरीर को। ये क्या पागलपन है? नहीं बेटी, ये बहुत पहुँचे हुए फकीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याली, जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याली, छोड़ दे शैतान, छोड़ दे शैतान। ए करीम जी, आज रात तुम इस जार को शमशान में ले जाकर गाड़ दो। अच्छा जी। सीता बहन जी, बच्ची को ले जाओ। जी बाबा। आंखों में सुरमा लगाना, बबूत को पानी में मिलाकर पिला देना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जा, रुक, मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। रुक नहीं सकता, सुशीला पुराने महल में, इनसे कहो वहाँ ले चलो। तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको, चलिए पहले तुम्हारी नजर उतार लो और फिर चलते हैं। मुझे वो सब नहीं करना है। ठीक है, सुनो, मुझे समाधि को तोड़ना है। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़िए नहीं देता। सुशीला रुक, मेरी बात। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी छोटी मालकिन। इस तरह टॉर्चर करने से कोई ठीक होता है क्या? इंसान को बचाने के लिए उसके भीतर के भूत को निकालना पड़ता है, और भूत को निकालने के लिए तगड़ी मार लगानी ही पड़ती है। मुझे मारने में मजा थोड़ी ही आता है बेटी। आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं? क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ। तो क्या हुआ? तो भूत होते ये भी मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, तुम मुझे भूत दिखा सकते हो? बाबा, दर्द हुआ ना? जी। तो उसने कहा दर्द हो रहा है, आप बताओ वो दर्द दिखा सकती हो? ये हवा दिखा सकती हो? अपने प्राण दिखाओ मुझे। जो दिखाई नहीं देता वो सब झूठ नहीं होता, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। ऐसा आपके कुरान में लिखा है क्या? हमारी भगवद गीता में भी लिखा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहर्यर्थे न त्वं शोचितं अर्हसि। तुम्हारा कलावा बांधना सच है तो इस फकीर का ताबीज भी सच है, अगर तुम्हारा नारियल तोड़ना सच है तो मेरा नींबू बांधना भी सच है, भगवान को सर झुकाना जरूरी है तो शैतान को सबक भी। इस मानसिक रोगी के साथ ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती? पर इसकी जान खतरे में है। यहाँ इसे आपसे खतरा है। अरे असली खतरा उसके ऊपर नहीं मंडरा रहा है, तुम्हारे
तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहकर मुझे डरा रहे हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चली जाओ, फौरन चली जाओ, इस शहर से चली जाओ। बेटी अगर ये इतने यकीन के साथ कह रहे हैं तो कोई वजह जरूर आप होगी। चुप रहिए चंदा माँ, मैंने कहा ना, मेरी बात तो सुनो। चलिए यहाँ से। हेलो, तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए यहाँ एक आत्मा भटक रही है, पता है? So sad, my poor Rahul. जल्दी से आ जाओ, मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूँ, इस आग से मुक्ति दिलाओ। पर कैसे, मैं तो मुंबई में हूँ ही नहीं। लेकिन मैं तो राजगढ़ में ही हूँ। राजगढ़ में? अच्छा, अभी टाइम क्या हुआ है? आधी रात के 12 बजे। इस अंधेरे में तुम तक कैसे पहुँचूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शहर से बाहर एक पुराना महल है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है मालकिन? बाहर जा रही हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊंगी। राहुल, 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 यहाँ क्यों आई हो बेटी? यहाँ से वापस चलो। यहाँ मेरा राहुल आया हुआ है। अंदर कोई इंसान नहीं रहता। मत जाओ बेटी, ये सीटी वही बजा रहा है। बेटी राहुल कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ छुपा है। राहुल राहुल, कालिका महाकालिका। आओ बेटी, ऊपर आओ, तुम्हारा राहुल यहीं ऊपर है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। आओ बेटी आओ, आओ आ जाओ। अरुंधति, यहाँ इस कमरे में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरुंधति, राहुल, तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे इतने पास खड़ी हो, खुद को रोक नहीं पा रहा हूं मैं। आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हर गुजरते पल के साथ मैं पागल हुआ जा रहा हूं। आ जा, आ जा, नहीं आएगी तो मैं मार डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तुझे समाधि से कभी बाहर नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, नहीं आने दूंगी। नहीं, पीछा करूंगी मैं, नहीं, तुझे मारने आऊंगा, तुझे बाहर निकाल आऊंगा। चलो मेरी बात मानो, चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा।
सुनो छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इस गांव से जाने के लिए कहा था मैंने, तो यहाँ क्यों चले आई तुम? उस शैतान ने तुम्हारी जान लेने के लिए बुलाया तुम्हें यहाँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अंदर मेरा राहुल है। नहीं है, अंदर कोई नहीं है। उसने कहा वो यहीं पर है। नहीं है राहुल। नहीं राहुल। कोई नहीं राहुल। नहीं नहीं कोई नहीं है। उसने मुझे फोन किया था तभी तो मैं यहाँ आई। करो फोन, पूछो उससे वो कहाँ है, फोन करके तो देखो। हेलो राहुल, कब से इंतजार कर रही हूँ, बेकार में यहाँ नाटक हो रहा है, कहाँ हो तुम? मैं तो मुंबई में हूँ। मुंबई में हो? हे अरु, व्हेन आर यू कमिंग? ऑल माय फ्रेंड्स आर वेटिंग टू सी यू बिफोर मैरिज। तुम्हें जो फोन आया था Hello, सच Aru? था। तुमने जो बात की वो भी सच थी, लेकिन राहुल यहाँ पर आया है ये झूठ है। आंखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ पर बहने वाली हवा में शैतान का साम्राज्य है। अल्लाह की रोशनी में तुम्हें सब सच दिखाई देगा, देखो। समझ गई? सब कुछ समझ गई ना? ए, मेरी मोमबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा आऊंगा। चली जाओ, इस गांव को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ। अंदर मत जाओ बेटी, अंदर कोई इंसान नहीं रहता। ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया वीरेंद्र हैं। 30 साल पहले स्वर्ग सिधारा। लोग कहते हैं कि कभी कभी पुराने महल के आसपास ही आज भी दिख जाया करते हैं। मुझे लगता है ये लोगों का भ्रम है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कहाँ हो तुम? मुंबई में। राहुल, चली जाओ। ए, मेरी मोमबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंदा माँ। हाँ क्या है बेटी? मुझे अपने महल के बारे में सब कुछ जानना है। बताओ चंदा माँ प्लीज। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं बेटी, उसके बारे में कुछ मत पूछो। क्या कहानी है उस महल की? वो कोई कहानी नहीं है, बुरा सपना था जिसे भूल जाना ही बेहतर है हमारे लिए। लेकिन मुझे जानना है चंदा माँ, बताओ। जो तुम पूछ रही हो वो तुम्हारी ही कहानी है बेटी, तुम्हारी ही। आज जो खंडहर है बेटी, कभी राजगढ़ का राजमहल था, राजघराने की शान का प्रतीक था। बच्चों की किलकारियां गूंजती, माओं की ममता बरसती, हर दिन एक त्योहार की तरह था। हमारे साम्राज्य में खुशियों का मेला लगता था। उस राजघराने के बिन ताज के महाराजा थे तुम्हारे परदादा, श्री 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 राजा रमा नायडू जी। उनकी दो बेटियां थीं, बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनकी बड़ी लड़की थी भार्गवी, खूबसूरत और मासूम, पिताजी के सामने उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। दूसरी बेटी थी अरुंधति माता, राजगढ़ साम्राज्य की शेरनी। तलवारबाजी हो या निशाना लगाना, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बचपन से ही वो सारी विद्याएं सीखने लगी थी।
उनकी आंखों में आत्मविश्वास, साहस और निडरता थी। वो राजगढ़ साम्राज्य की देवी जयजम्मा माता जैसी ही दिखती थीं। इसीलिए सभी उन्हें जयजम्मा माता ही कहते थे। जैसे सभी कहानियों में अन्याय करने वाला एक दुष्ट होता है, वैसे ही इस कहानी में भी एक अधर्मी था। मां, वो वासना का पुजारी था। अगर किसी सुंदर स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ जाती तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसके अत्याचारों से पूरा राज्य त्रस्त था। वो और कोई नहीं, राजा जी का दामाद था, पशुपति। पशुपति, उसके सामने जो भी आता वो उसे मार डालता। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी किसी हिंसक पशु से कम नहीं था। राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी बड़ी बेटी भार्गवी की शादी उस दरिंदे से करवा दी थी। असल में ये पशुपति की माँ कामिनी देवी की एक चाल थी। राजा उसका बहुत सम्मान करते थे। उसने राजा से झूठ बोला कि भार्गवी और पशुपति की कुंडली में सभी गुण मिलते हैं। इस तरह उसने भार्गवी की शादी अपने बेटे से करवा दी। రాత్రి పగలు ఇంట్లోకి ఈ కులతల్ని తీసుకొచ్చి మీరిలా చేయడం ఏమన్నా సభ్యతగా ఉందా? వాళ్ళు కులతలైతే నువ్వు కులతవే. योरी, राजघराने के पुरुष का ये सब करना तो शान की बात माना जाता है। तू तो ऐसे कर रही है जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। उस बच्ची की जिंदगी उन माँ बेटे ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर दी थी। फिर एक दिन उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अरुंधति माँ बनारस से आई एक नृत्य शिक्षिका से विशेष नृत्य सीख रही थी। वो शिक्षिका देख नहीं सकती थी। बेटी अरुंधति, आज मैं तुम्हें नृत्य सिखाने जा रही हूँ। क्षत्रिय स्त्रियों को या तुम जैसी स्त्रियों को जिन्हें भविष्य में रानी बनना हो, ये नृत्य अवश्य सीखना चाहिए। धनुर्विद्या या शब्द भेदी विद्या की तरह इसे भी शब्द भेदी नृत्य कहते हैं। तुम ध्वनि उत्पन्न करो और मेरा नृत्य कैसे प्रतिध्वनि देता है ये देखो। ठीक है गुरु माँ। तुम दिल की धड़कन को भी अपना निशाना बना सकती हो। छोटी राजकुमारी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ। उस दिन जब वो आया तो शराब और वासना के नशे में बुरी तरह चूर था। नई खुशबू। उस दिन की उसकी हरकतें याद आती हैं तो हे भगवान, जा रहा हूँ उसे पकड़ने को, जचाऊंगा करूंगा। आओ अरुंधति। अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो है प्रणव भैरव नृत्य। शत्रु के सामने असहाय स्थिति में ये नृत्य करके तुम उससे खुद की रक्षा कर सकती हो। अच्छा। अरुंधति,
कौन है? अरुंधति, कोई जवाब की नहीं दे रहा, कौन है? कौन है? तू यहाँ वीर नाट्य सिखाने को आई है? और मैं यहाँ आया हूँ तुझे प्यार से प्रेम नाट्य सिखाने को। अरुंधति, हाँ, कंचन जी की तबीयत आज ठीक नहीं है, वो कहकर गई है कल आएंगी। అంతురాలివే బొమ్మలే సుఖపడుతూ చస్తున్నావు, చస్తూ నన్ను సుఖపెట్టావే అమ్మ బొమ్మలే. ससुराल से निकाल दिया गया, अब तुम्हारा बेटा इस घराने का नाम खराब करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम ये याद रखना। ऐसा अपराध करने वालों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए पिताजी, बाहर निकाल दीजिए, इन्हें फौरन बाहर निकाल दीजिए। उसके अत्याचार सहन करने की वजह ये नहीं कि मैं उसे डरता हूँ, वजह ये है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा मार मार के उसकी जान ले लेती है। मैं तुझे पागल नजर आता हूँ क्या? हाँ, तेरे घर वालों की माँ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोगों को भिखारी समझ रखा है क्या? हाँ! नहीं, नहीं बेटा, छोड़ दे इसे, छोड़, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़, छोड़ दे इसे। जल्दबाजी मत कर, जब तक तुम इस साम्राज्य को वारिस नहीं दे देते इसे जिंदा रखना होगा, तब तुम इस महल के राजा और इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे, इसीलिए तो इसकी शादी तुमसे करवाई है। अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी, भगा भगा कर मारेंगे, समझे तुम? वजह यह है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी, अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा मार मार के उसकी जान ले लेती है। अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी, वजह ये है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। बेटी, भार्गवी! बेटी, भार्गवी! भार्गवी, क्या हो गया? भार्गवी!
आज मेरे पास कोई सुंदरी आई ही नहीं है। ए मोमबत्ती, ए मोमबत्तियो, ए वो तो मर गई फांसी लगाकर, कब तक उसकी लाश घर में रखे रोते रहोगे? एक दो से बाहर। ये तेरा अंत है दुष्ट। उस दिन अरुंधति माता ने सिर्फ पशुपति को ही मारकर नहीं भगाया था, बल्कि उसके अत्याचार, अहंकार और हिंसा को भी भगाया था। तब से हर कोई अरुंधति माता को कुल देवी जयजम्मा का स्वरूप मानने लगा, जयजम्मा कहकर ही पुकारने लगा। समय बीतता गया और सभी का सम्मान पाकर वो रक्षा की देवी बन गई। ऐसे अंधेरे में रोशनी बन के आई हो तुम, सबके दिलों में खुशियों की उम्मीद ऐसी लाई हो तुम। नेत्रों की निडरता से पराजित शत्रु तेरे हो जाते, चित्रकारी तू जो करे हृदय के भाव उसमें भर जाते। ममता का सागर हो अन्नपूर्णा तुम हो, दया की प्रतिमा सबकी पालक तुम, तुम्ही हो इस राज्य की गरिमा। तेरे शब्द है वेदों जैसे पावन, तू ही है सुख का रिमझिम सावन, तुम हो धरती माता जैसी प्यारी, तुम हो काली दुर्गा की अवतारी। ये साम्राज्य मेरा है, याद रखना। जय जम्मा, 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 जय जम्मा। जयजम्मा कोई भी बात कहती, जनता उसे
सर आंखों पर रखती, सर आंखों पर। उनकी ममता की छांव में सभी लोग अपने परिवार के साथ बड़े खुश थे, लेकिन वो दुष्ट पशुपति जैसा सब समझ रहे थे मरा नहीं था। అతమని నాశనం చెయ్యాలన్న వాడి పగ వాడిని కొన ఊపిరితో ప్రతికించింది. ఉస్ రాస్తే సే జానే వాలే కుచ్ లోగో నే ఉస్కీ జాన్ బచాయి. వో లోగ్ అఘోరి థే. పిశాచాలతోను ప్రేతాత్మలతోను సహవాసం చేస్తుంటారు. శవాల మధ్య శుద్ర పూజలు చేస్తుంటారు. చిల్లంకి బాణామతి వంటి వికృత శక్తులతో మనుషుల ప్రాణాలు తీస్తారు. अरुंधति माता से अपना बदला लेने के इरादे से वो उन अघोरियों के साथ ही रहकर तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध करने लगा. चेतबल्लू नेर्ची मनुष्य नरम नरम नलुपी प्राणालु तीयगलिगाडु. शवपूजलु चेसेवाडु. मनुष्यल रक्तं तागेवाडु. एन्नो असह्यमैन पनुलु चेसी चेसी చివరకు తను కోరుకున్న శుద్ధ శక్తిని ఎన్నో సంపాదించాడు. తను ఇప్పుడు మనిషి కాదు, ఒంటి నిండా ప్రేత పిశాచాలు నివాసం ఉంటున్న బహుత్ బడా తాంత్రిక్ బన్ గయా. అరుంధతి మాతకి ఖిలాఫ్ ప్రతిశోధ్ కి ఆగ్ అప్నే దిల్ మే లియే ఉస్నే రాజగఢ్ కి చౌఖట్ పర్ దోబారా అప్నే కదమ్ రఖే. बदकिस्मती से उस दिन सुबह ही अरुंधति माता की शादी हुई थी. राजगढ़ में हर जगह उस दिन उत्सव मनाया जा रहा था. ले जाओ इसे यहाँ से। इसको इतना मारो कि जानवर भी इसके शव को ना खाए. उसका सामना कर सकता है. अभी उस दुष्ट का सामना करने में बहुत खतरा है. मौत उसकी जुबान पर विराजमान है. उसके हाथ यम के हाथ हैं. किसी को नहीं छोड़ूंगा. शक्ति दे मुझे माँ काले. अभी तुम उसके सामने ना ही जाओ तो अच्छा होगा. मरोगे. जो डर कर पीछे हट जाते हैं वो कायर कहलाते हैं. मौत का भी सामना करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी. ए अरुंधति, तुझे नहीं छोड़ूंगा. तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा. तेरा सर्वनाश कर दूंगा. पशुपति, जिनके हाथों से मुझे पिटवाया था उन्हीं लोगों के सामने अब बेटी अरुंधति, तू यहां क्यों आई बेटी?
हेलो अरुंधति, अरे पकड़ी तू तो बला के खूबसूरत हो गई रे। कली तो पूरी तरह खिल गई है। मेरे मोमबत्ती, मैं तुझे मार कर तेरे टुकड़े टुकड़े करने आया था, लेकिन अब नहीं मारूंगा। जिस पिशाच ने 7 साल से किसी औरत को ना छुआ हो, उसके सामने ऐसी बला आ जाएगी, ये सोचा नहीं था। ए मोमबत्ती, एक औरत को चांद से ज्यादा अपनी आबरू प्यारी होती है ना, इसलिए मैं तेरी इज्जत लूट कर उसके बाद तेरी जान लूंगा, फिर इसी महल में तेरी समाधि बनाकर तेरी आत्मा को अपने अघोर देव को बलि चढ़ाऊंगा। दुष्ट दुराधम नरमि कलंकम मृत्यु का तांडव हा कर तू अंतम शैतान वहशी पापी मदान अबला समझ न नारी को आज नारी ही शक्ति नारी ही ज्वाला। मोमबत्ती, मुझे गाना नहीं सुनना है। कालिका महाकालिका चंडिका महाचंडिका नारी अंगार नारी संघार है ये तुम जान लो। ओ दुराचारी ओरे अत्यायी अब ये तुम मान लो। छोड़ दे ये विचार तू करना अत्याचार तू मान ले मेरी बात तू मौत से होगा मात तू व्यर्थ जाएगी तो मेरी वेदारा वेदारा। वेदना तेरी नहीं है मेरी है। उस दिन तूने मुझे मेरे ही घोड़े के पैरों से बांधकर घसीटवाया था ना, सालों से उस अपमान की आग मुझ में जल रही है। तेरी आबरू के चीथड़े चीथड़े करके तेरी इज्जत को नीलाम करके रहूंगा, क्योंकि असली खेल तो ऊपर जाकर शुरू होगा। तेरी सुहागा का मुहूर्त तो निकला ही हुआ था ना, उसका सुख तो लेगी, लेकिन मेरे साथ मैं बनाऊंगा तुझे औरत। जीत ले कायनात तू हाँ फिर भी है तुझको हारना। धर्म तेरा अधर्म है हाँ निश्चय तेरा खात्मा। जो किया है तू वो पाएगा बचना इससे तू पाएगा। कर्म जो किए उसका फल तू एक दिन अवश्य पाएगा। शानन से शक्तिशाली तो ना तू उसका अंजाम ना है जानता क्या तू। मैं भी नारी हूँ काल की आरी हूँ देख ले मुझको तू मौत तुम्हारी हूँ। तेरी परले हूँ तेरी तबाही हूँ बच ना पाएगा क्रोध की आंधी हूँ। अठ अठ भुजा वाली दुर्गा भवानी हूँ मैं तेरे जैसे असुरों की अंत कहानी हूँ मैं। आज मेरे क्रोध बच न सकेगा तू होगा खत्म हाँ होगा खत्म होगा खत्म होगा खत्म होगा खत्म। मुझको खत्म करेगी मुझको? जी 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 मेरे सामने तो मौत भी थर थर कांपने लगती है भाग जाती है। हाँ लेकिन मौत को तेरी बलि जरूर चढ़ाऊंगा।
इन कौड़ियों की आवाज के साथ अपने घुंघरों की ताल मिला मोमबत्ती। गम 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 तमम गम। उस दिन उस नाचने वाली के साथ मैंने थोड़ा मनोरंजन क्या कर लिया, तू नाराज हो गई और लात घूसों से पिटवाया। लेकिन आज उसी की तरह ये मेरा रोम रोम तेरे शरीर से मनोरंजन करेगा। मोमबत्ती अब नाच। ये वस्त्र तलवार का काम करेंगे। गर्दन को फंदे से जकड़ना होगा, तभी उसे विवश किया जा सकता है। भयंकर प्रेतात्मा बन जाएगा। मतलब अभी इसमें तुमसे प्रतिशोध की प्रबल इच्छा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी मनुष्य जो अपूर्ण इच्छा लेकर मरा हो उसकी आत्मा इस लोक को छोड़कर नहीं जाती है, वो बदला लेकर ही रहती है। जब कोई ऐसा कठोर अघोरी अधूरी इच्छा लेकर मरता है तो वो भयंकर प्रेत शक्ति बन जाता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी को जीने नहीं देगा। सच है बेटी, लेकिन इस समस्या का कोई उपाय भी तो नहीं है। तो ठीक है, ये मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहेगा। इसकी अभी और इसी हालत में समाधि बनवा देती हूँ। वो समाधि ऐसी होगी जिसमें से इसकी प्रेत आत्मा समाधि नुंची वीडी प्रेत आत्मनी कूड़ा बैठकी राकुंडा चेस्ता, कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और वो समाधि में रुद्रतुल प्रणव दिव्य शक्ति से बनवाऊंगी। समाधि में बंद ये और इसकी प्रेतात्मा अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। लेकिन सुनो बेटी, अगर कभी किसी ने इसकी समाधि तोड़ दी तो बाहर आकर इसकी प्रेतात्मा प्रलय मचा देगी, तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश कर देगी। मैं इसका भी पूरा इंतजाम करवा दूंगी। इसकी समाधि बनने के बाद इस महल में कोई कदम नहीं रखेगा। बनाओ समाधि। माता का निर्णय सुनकर वो नीच डर से कांपने लगा। पवित्र स्थानों से बड़े बड़े पत्थर मंगवा कर हमारी जयजम्मा ने अभेद समाधि बनवाई। उस अंधेरे में वो पापी दरिंदा जानवरों की तरह चीत्कार करने लगा। उसकी चीत्कार से सारा महल थरथरा उठा था। अब सड़ता रह यहीं पर, तो इसे नरक के लायक है। महाशक्तिशाली दुर्गा गायत्री यंत्रों की सिद्धि करवाई गई।
उस समाधि से हवा भी बाहर ना आ सके, इसलिए उन यंत्रों को समाधि की दीवारों पर ठुकवा दिया गया। राजगढ़ के कोने कोने से महाविद्वान वेद शास्त्रियों को बुलवाया गया। चंडी यज्ञ और रुद्र अर्पण किया गया। उस नीच की चीखें उन देव मंत्रों के आह्वान में दबकर रह गई। भूलोक की रक्षा करने वाले भोलेनाथ के त्रिशूल उसकी समाधि पे चारों तरफ बंधवा दिए गए, जिससे उसकी प्रेतात्मा कभी भी बाहर ना आ सके। उस पल माता जय जम्मा हम सभी को बचाने के लिए आई हुई महाकाली का स्वरूप लग रही थी। दिन के बाद किसी ने वहां कदम नहीं रखा। उस महल को भी खाली कर दिया गया। इस तरह से उस अत्याचारी और उसके अत्याचारों का अंत हुआ। नहीं हुआ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। उसका अंत नहीं हुआ। सच में जय जम्मा ने कितना बड़ा काम किया था। हाँ, लेकिन उस दिन उस दुष्ट की समाधि बनाने के बाद माता का मन बुरी तरह व्याकुल हो उठा। उसकी समाधि बनाने के 3 दिन बाद ही क्या हुआ? बताती हूँ। वो कहानी सुनाने बैठूंगी तो रात भर में भी खत्म नहीं होगी। बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। सो जाओ, जाओ बच्चों, ज्यादा मत सोचो, आराम से सो जाओ। चलो बच्चा, चलो बेटा, चलो। चंदा माँ, 3 दिन बाद वहाँ पर क्या हुआ था? देखो प्लीज, देखो ये बात सिर्फ मैं और जय जम्मा ही जानते हैं। मुझे बताइए, मुझे जानना है, जानने का समय आ गया है। बताती हूँ। उस दिन के ठीक 3 दिन के बाद उस रात को उस महल से रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो उस दुष्ट का प्रलाप। मैं हूँ तुम्हारा जीजा पशुपति। मैं भूखा हूँ, प्यास लग रही है मुझे, मैं मर रहा हूँ। बाहर निकालो ना, इस समाधि को तोड़ दो, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। सुनो सुनो ना, एक बात बताऊं तुझे, मुझे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, तू बात कर रही है एक प्रेत आत्मा से। तेरी वजह से मैं इतनी बुरी मौत मरा हूं। मेरा शरीर सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रही है मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे। प्राण लिया है, कसम खाई है, नहीं छोड़ूंगा तुझे और ना ही तेरे वंश को। साथ में औरत का सुख भी जरूर लूंगा। तुझे मैं खून की आंसू लाऊंगा। हाँ, वो हाल करूंगा तेरा, तू मौत की भीख मांगेगी। नहीं छोड़ूंगा मोमबत्ती, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे आजा। वही है वो, अब तक वहीं पर है। ए, बाहर निकाल मुझे, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। आ रहा हूँ आज रात को ही, अभी मुझे बाहर कर आ रहा हूँ। मुझे आजाद कर, मुझे यहाँ से आजाद कर, मुझे बाहर निकालो। निकालो मुझे यहाँ से। उसे हमेशा के लिए समाधि में ही रहना होगा। मुझे नहीं चाहिए। जल्दी आइए। अगर वो बाहर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। आऊंगा तो सही, आकर दिखाऊंगा। खींच और जोर से खींच।
से बाहर निकाल। सुशीला, चले जा, चले जा यहाँ से। यहाँ मत आओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। या अल्लाह। सुशीला, सुशीला, मैं आ रहा हूँ। आइए ना। निकालने के लिए मैं आ रहा हूँ। बस मैं आजाद कर दूँगा। मुझे बचाइए। सुशीला। माँ जयचम्मा। सबको लगता है कि मैं आप ही का अवतार हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह शक्तिशाली नहीं हूँ। आप महान थी जो उस पापी की समाधि बना दी, लेकिन अब वो समाधि से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सुशीला, आ जा। सुशीला, सुशीला, आ जा, आ जा, आ जा। अगर कहीं वो बाहर आ गया तो क्या मैं आपकी तरह उसका सामना कर पाऊंगी? कभी नहीं। मैं जयजम्मा नहीं हूँ। वो बाहर नहीं आना चाहिए। तोड़ दो इसे। शाबाश। तोड़ से। नहीं, वो समाधि से बाहर नहीं आना चाहिए। आजादी, मेरे बेटे की आजादी, मेरे बेटे की आजादी, आजादी, मेरे बेटे की आजादी। अब मेरा बेटा आजाद हो जाएगा। राजघराने के बारे में कुछ नई बातें पता चली हैं। कौन सी बातें? कई साल पहले हमारे घराने में एक जल्लाद हुआ करता था। अच्छा? उसका नाम सुनते ही अभी भी सबके दिल दहल जाते हैं। सिर्फ जयजम्मा माता ही उसका सामना कर पाई। उसके कुकर्मों की वजह से हमारी जयजम्मा ने उसे कठोर दंड दिया था। उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसका नाम था पशुपति। हा? पशुपति, पशुपति, अघोराधिपति। हेलो अरु, क्या हुआ? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तूने गलती कर दी। हेलो अरु, अरु मेरी बात सुनो। मेरे जीते जी मेरी समाधि बना दी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। बानी, 10 नहीं 20 नहीं 80 साल से उस समाधि में बंद था। बदले की आग में जल रहा था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे मोमबत्ती, आ
मेरे मोमबत्ती, वही खुशबू। इस पल के बाद तू हंसना भूल जाएगी, जीना चाहेगी लेकिन जी नहीं पाएगी, मरना चाहेगी मगर मौत नहीं आएगी, समझ नहीं पाएगी कि क्या हुआ, मरेगी। बनी जी मेम साहब, तू इससे भी पहले आई थी ना? नहीं मेम साहब, दूध लेकर आई हूँ, कहे तो चीनी डाल दो। रहने दो, तुम जाओ। ठीक है मेम साहब। नहीं ये सच नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। नो नो, यहाँ नहीं है। तो फिर गर्दन पर ये मेरा सपना है, सपना है वो क्या? मेरी मोमबत्ती। क्या हुआ, क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, हम लोग मुंबई कब जा रहे हैं? कल शाम को जाएंगे। नहीं, कल सुबह ही निकलना होगा। लेकिन क्यों? कुछ मत पूछिए, मैंने कहा ना हमें कल सुबह ही निकलना होगा। वो यहीं पर है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहने वाली हवा में शैतान का साम्राज्य है। जल्द से जल्द अनवर से मिलना होगा। कल ही पास के दरगाह में गए। कब वापस आएंगे? पता नहीं मैम साहब, मुझे उनसे तुरंत मिलना होगा, अभी चलो। नहीं नहीं मैम साहब, अगर हम लोग कार से जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, छोटे रास्ते से चलते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं अभी आता हूँ। नहीं मत जाओ, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जाओ, मैं अभी आता हूँ मैम साहब, आप यहीं। मेरे मोमबत्ती, तुझे किसी की मदद नहीं मिलेगी, लेने ही नहीं दूंगा, तो कोशिश भी मत कर। इस गांव को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ, फौरन चली जाओ। अरे बाप रे,
तुझे यहाँ पर भेजने के लिए नहीं बुलाया है। आगे से कभी इस राजगढ़ की सीमा से बाहर जाने की कोशिश मत करना। सब उल्टा सीधा लग रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तुझे? डर मत मोमबत्ती, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा मोमबत्ती। जल्दी कीजिए, जाना नहीं है। कहाँ जाना है? कुछ कह रही हो, मेम साहब की शादी के लिए जाना है। क्या कहा, शादी? अब ये शादी नहीं होगी। सुनिए जी, हम सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए हैं, आप भी जल्दी से नीचे आ जाए। तू नहीं जाएगी, उनको जाने दे, सबको यहाँ से दफा कर दे, पर मेरे बारे में किसी को मत बताना। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, आप लोग बाहर जाकर इंतजार कीजिए। पर न वो भी इसी की तरह मारे जाएंगे, भेज दे, जाने दे उन्हें। नीचे हम लोग तैयार। क्या हुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो हम लोग चलें। आप लोग निकलिए। तो फिर तुम बेटी? मैं दो दिन यहीं रुकूंगी, बाद में आ जाऊंगी, बाद में आराम से आ जाऊंगी। बेटी, शादी का मुहूर्त पास आ गया है और तू कह रही यही रहेगी? मैंने कहा ना, दो दिन आराम करके आ जाऊंगी। अकेले क्यों रहोगी, तुम भी चलो ना। क्यों, मैं दो दिन यहाँ नहीं रह सकती क्या? क्यों नहीं रह सकती? तो चाहे कुछ भी हो, इसे इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। सुन लीजिए, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, मैं यहीं पर रहूंगी, आप सब लोग जाइए। क्या है ना जजम्मा, आगे किसी ने कुछ पूछा ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अरे बाप रे, भगवान, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नाराज क्यों हो रही हो? सुनो छोटे, वहाँ जाने के बाद रिश्तेदार इसे चैन से आराम नहीं करने देंगे, आ जाएगी बाद में। अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आप यहीं पर रुकिए, बाद में आराम से आइए। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं, चलो चंदा बा, चलो चलो। क्या हुआ बेटी, कल से कुछ बदली बदली सी लग रही हो? पुराने महल के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान मत हो, परेशान मत हो। हाँ, वो दो दिन यहाँ रुकना चाहती है, चलो हम चलते हैं। क्या बाबूजी, आप मैंने भी कहा ऐसी वो रुकना चाहती है? वो अरे क्या वो, है वो क्या, हर बात के लिए 10 सवाल, क्या वो दो दिन यहाँ नहीं रुक सकती? चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे अरे, अरे चलो चलो सब। क्या मैं भी आपके साथ रुक सकता हूँ? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहे। चलता हूँ जय जय। चलो चलो। अरे चल रहे हैं जी, चलो बेटो। अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाना बेटी। अपना ध्यान रखना, जल्दी आ जाना बेटी। बाय बाय अरु। चलते हैं बेटी, जल्दी आना अरु। जल्दी आना बेटी, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मारना ही होता तो समाधि से निकलने के बाद सबसे पहला काम तुझे मारने का किया होता। तेरी सुंदरता को, तेरी जवानी को पहले जी भर के मसलने का काम करूंगा मेरे मोमबत्ती।
छोड़ मुझे, तुम डरो मत बेटी, छोड़। नहीं चलेगा, ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहमान, याली तोड़ दुश्मन की नली, याली, याली। आखिर क्यों वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? उसे क्या चाहिए? बदला बेटी, बदला। हाँ। उसके जीते जी तुमने उसकी समाधि बनाई थी ना, इसलिए। मैंने नहीं, जयजम्मा ने बनवाई थी। बेटी तुम ही तो जयजम्मा हो ना? मैं? हमारी अरुंधति माँ तुम ही तो हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चंदा माँ? मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं जयजम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर तुम जयजम्मा नहीं होती तो वो तुम्हें परेशान क्यों करता, बताओ क्यों? क्यों? वही तो। क्योंकि तुम ही जयजम्मा हो इसलिए। नहीं, ये झूठ है। अगर इस शैतान के विनाश का कोई उपाय होगा तो वो जयजम्मा को जरूर पता रहा होगा। तुम जयजम्मा का दूसरा जन्म हो तो तुम्हें भी पता होगा। जयजम्मा बताओ। मैं जयजम्मा नहीं हूँ, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आ जाओ। क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाएं सच नहीं है? सच है। क्या उसका तुम्हें परेशान करना सच नहीं है? सच नहीं है? सच है। समाधि से निकलने के बाद वो बदला लेने सबसे पहले तुम्हारे पास आया, ये सच नहीं है? सच है, सच है। तब तो तुम ही जयजम्मा हो, ये भी सच है। तुमने दोबारा जन्म लिया है, अल्लाह कसम, मुझे पूरा यकीन है। ये सच नहीं है। सच है। सच नहीं है। यही सच है। नहीं है। यही सच है। देखो। देखो, देखो चंदा माँ, जयजम्मा है ना? जयजम्मा। ये तलवार पकड़ने का तरीका और किसका हो सकता है? वही, वही तेवर, साक्षात माता को देख रही हूँ, जैसे जयजम्मा ही सामने खड़ी हो। जरा सोचो, अपने अतीत में जाकर सोचो, कोशिश करो, भूल जाओ, पहले इस वर्तमान को भूल जाओ, इस जीवन में कदम रखने वाले प्राकृतिक अंधेरे में जाओ, अपने अंदर की जयजम्मा को पहचानो, पिछले जन्म में जाकर सोचो, जाओ, याद करो। मैं अपने आप को देख रही हूँ। हाँ, यही से शुरुआत करो, सोचो। ऐसा लगता है ये कुछ कहना चाह रही है। सोचो, 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 सोचो। माता ने जाने से पहले अपना ये चित्र खुद बनाया था। अगर तुम इसे पढ़ रही हो, इसका मतलब वो बाहर आ चुका है। पढ़ते समय तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि पढ़ने वाली मैं खुद हूँ। जो हुआ वो खुद को याद दिलाने के लिए है। ये मेरा स्वलिखित जन्मलेख है। समाधि में मरकर जब वो प्रेत आत्मा बन गया था और उसने मुझे जिस तरह सताने की धमकी दी थी, ठीक उसी तरह सताना शुरू कर दिया।
नहीं छोड़ूंगा। एक अजीब तरह की बीमारी समाधि के आसपास फैलने लगी थी। तेरे राज्य के लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, महामारी का शिकार होकर मरेंगे। राज्य की हवा दूषित हो चुकी थी। एक संक्रमण की तरह उसका असर पूरे राज्य में फैल गया और मेरी प्रजा की खुशियां दुख में बदल गईं। उसकी वजह से मेरा राज्य सूख कर बंजर बन गया। एक बूंद पानी भी नहीं रह गया वहां पर। मैंने उसे मनाया, विनती की, फिर उसके डर से धीरे धीरे लोगों ने राजगढ़ में आना बंद कर दिया। बीमारी से पागल होकर लोग एक दूसरे को मारने लगे। मैं ये सहन न कर सकी, अपने आप पर काबू न कर सकी। उसका अंत करने का मार्ग ढूंढते ढूंढते राजगढ़ से बाहर निकल गई। न जाने कितने प्रदेशों में घूमी, योगियों से, तांत्रिकों से मिली, बहुत से पुराण भी पढ़े मैंने, पंडितों से, साधुओं से मिली, कोई भी समस्या का समाधान नहीं बता पाया। दिशाहीन अंधेरे आकाश में छोटी सी चिंगारी की तरह आखिर में एक योगी ने एक पहाड़ी के बारे में बताया जहां अघोरी रहा करते थे। उसने जो पता बताया था वो राजगढ़ के पश्चिम में स्थित घने जंगल का इलाका था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बदले की भावना लिए भटकने वाली उसकी प्रेतात्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का विनाश ना हो जाए। वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी, लेकिन सृष्टि के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, उस आत्मा का भी अंत निश्चित है। उसका अंत है? कैसे? बताइए, बताइए कैसे? अधर्मियों को मारने के लिए कई बार विशेष अस्त्र बनाए जाते हैं, वैसा ही एक अस्त्र तुम्हें चाहिए। वो अस्त्र कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? चाहे कुछ भी हो मैं उसे लेकर आऊंगी। बताइए कहाँ है वो अस्त्र कहाँ मिलेगा? तुम ही वो अस्त्र हो। क्या? तुम्हें मरना होगा। मुझे मरना होगा? तुम्हारी अस्थियों से बनेगा वो अस्त्र। मैं आपकी बात समझी नहीं। एक महामुनि की अस्थियों से देवताओं ने एक शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया था। वही अस्त्र है इंद्र का वज्रास्त्र, जिससे एक दुष्ट का सर्वनाश हुआ था। ठीक उसी तरह ये अस्त्र भी उस शैतान का अंत करेगा। मेरे मरने के बाद अस्त्र का निर्माण होगा तो फिर मैं उस शैतान को कैसे मार पाऊंगी? मौत शरीर की होती है, आत्मा की कभी नहीं। उसका अंत करने के लिए तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। हाँ, दोबारा जन्म लोगी तुम, अपने ही वंश में पैदा होगी। तो ये जेजम्मा ही है। सुनो बेटी, उसके बाहर आने के बाद ऐसा एक क्षण अवश्य आएगा जब वो तुमसे बदला लेने के लिए मानव रूप लेगा। तभी उसी क्षण तुम्हें उसका वध करना होगा। याद रखना, उसे मारने के लिए तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा। और वो मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं उसका सर्वनाश करने वाला अस्त्र बनूंगी, अवश्य बनूंगी। तो फिर अपने प्राण त्यागने की तैयारी करो, सारे बंधनों को तोड़कर फिर वापस आना। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, वापस आ भी सकती हूँ और शायद नहीं भी। ये क्या कह रही है? इस वंश में पैदा होने वाली पहली लड़की को मेरा ही नाम देना।
मान लेना कि मैंने ही जन्म लिया है। जितना सम्मान मुझे देते हो उतना ही उसे देना। उस शैतान का अंत होना अति आवश्यक है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। उसका अंत है, अवश्य है। मुझे ऐसी दर्दनाक मौत देना कि मैं वो दर्द अपने साथ लेकर मरूं। ये यातना मुझे याद दिलाती रहेगी कि उस दुष्ट आत्मा से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने अपने जीवन का त्याग किया था। यंत दीक्षा पुनी नावम्मा कुंडेलो निपुले निंपी नावम्मा। నా మరణయాతన నాకు ఆనందం, వాణ్ణి అంతం చెయ్యబోతున్నానన్న సంతోషం.
मुझे मारने का अस्त्र बनाया है। कहाँ है? कहाँ पर है? इतनी देर तुझे पढ़ने दिया ताकि तेरे अंदर बदले की भावना पैदा कर सकूं। मुझे मारने के लिए तू वो अस्त्र पाने की कोशिश करेगी और ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। तब तुझे एहसास होगा कि चाल पूरी ना होने की तरफ क्या होती है। और यही मेरा मकसद है। आज रात आसमान में चांद नहीं होगा, आज अमावस है। मेरी तेरे साथ सुहाग रात है, ये मेरी रात है, आज की रात। इस समय पर तेरे सारे लोग, तेरी सहायता करने वाले, तेरे परिवार वाले सब मारे जाएंगे। तू खुद मुझे ढूंढते हुए आएगी और मुझसे प्रणय निवेदन करेगी। आज की रात मेरे बताए हुए समय पर मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा, मेरी मोमबत्ती, तेरी बलि। तेरे सारे लोग मर जाएंगे। भाग जा, अपने अस्त्र की तलाश में भाग, भाग, जब तक मेरे पास आने के लिए मजबूर ना हो जा। भाग, भाग जा। ऐ बदमाश, ऊपर तेरा बाप सब देख रहा है। उस अल्लाह के सामने तेरा खेल नहीं चलेगा। शैतान कभी भगवान के सामने जीत नहीं सकता, याद रख। मेरी बात सुनो जयजम्मा, उसमें जो जगह लिखी थी वो मैं जानता हूँ। वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो अस्त्र के बारे में पता चल जाएगा। आधी रात से पहले अस्त्र लाना होगा, वरना वो कभी नहीं मरेगा। चलो। नहीं चंदा माँ, ऐसी परिस्थिति में आपका हमारे साथ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आप यहीं पर रुकिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ वो शैतान इन्हें मार सकता है। आप मेरे यहाँ चलिए, अल्लाह आपकी रक्षा करेगा। आओ मेरे साथ, आओ। वेलकम वेलकम, बाय। कार निकालो। निकालता हूँ सर। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? या फाइन। अच्छा है। व्हाट? कौन? कैसा है बता? कौन हो तुम? बताओ कौन हो? जानने की जरूरत नहीं है। जैसा कहता हूँ वैसा करेगा। तेरी अरुंधति सही सलामत रहेगी। क्या कहा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं, नहीं, नहीं। राजगढ़ पहुंचा। ए, स्टॉप। ओ, ओ, ओ। क्या तू अरुंधति को भी इसी हालत में देखना चाहता है? नहीं, मुझे करना क्या होगा? राजगढ़ आ जा। आ जा।
पत्नी। अनवर संभल गई। मोमबत्ती, तेरा पति अभी मरा नहीं है। राजगढ़ आ गया, उतरो उतरो। सुनिए, राजगढ़ के लिए सवारी कहाँ? वो ऑटो जा रहा है। सुनिए, हाँ जी, क्या आप वो पुराना महल जानते हैं? जी, मेरे साथ चलोगे तो आधा घंटा मैं लेकर जा सकता हूँ। राहुल, मुझे राहुल को बचाना है। छोटा महल हो या बड़ा महल, पहुंचाना मेरा काम है। भगवान, किसी तरह राहुल को बचा लो, बचा लो। राहुल बेटा, ये यहाँ कैसे आया? अब क्या करूँ? सुनो बेटा, तुम जा करो, साखरी गाड़ी में बैठ जाओ। राहुल बेटा, राहुल मैं बेटा, इसे पहुंचा कर अभी आता हूँ। उसे बचाने जा रही हो पुरानी मोमबत्ती? उसे बचाने से पहले खुद को तो बचा। खुद को बचा पाएगी क्या? चलो, अरु, 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 क्या कर रही
रही हो तुम? क्या करूं? और उसे कोई बताती कर नहीं ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा खोल! क्या करूं? राहुल! ए अरुंधति! अरुंधति! क्या करूं मैं? क्या होगा अब? अगर वो आ गया तो मैं क्या करूं? चंदामा को उसने क्या हुआ? चंदामा को मार दिया उसने। मर जाएंगे सब, मर जाएंगे। उसी ने मार डाला, चंदामा को मार डाला, उसने मार डाला। से पहले अस्त्र का पता लगा कर ले जाना होगा। अरुंधति मां। वही है, वही बाबा। अरुंधति मां को इतने सालों बाद वो दोबारा पैदा हुई है। मैं आ रहा हूं शैतान, मैं आ रहा हूं। अंत नजदीक है। याद रखना, ये माता के अस्थियों से बना अस्त्र है, लेकिन अभी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए अरुंधति के गर्म खून से भिगोना होगा। उसके बाद ही अस्त्र में प्रेत आत्मा को मारने की शक्ति आएगी, वरना वो प्रेत आत्मा उसे खत्म कर देगी। अब तो गया शैतान। रांत करेगा। सारी दिशाएं
रोशनी भी अंधकार हुई, आशाएं भी टूट गई, जीत तेरी सहायता करने वाले, तेरे परिवार वाले सब के सब मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। तू खुद मुझे ढूंढते हुए आएगी और मुझसे प्रणय निवेदन करेगी। ये सत्य है, जिस रात वो आएगा वो अमावस की रात होगी, आकाश विचलित हो उठेगा, सियार रोना शुरू कर देंगे, हर तरफ चमगादड़ उड़ते नजर आएंगे, तब वो तुमसे बदला लेने के जरूर आएगा। निवास में चले क्या? जल्दी जल्दी सजाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। या अल्लाह, या अली, बिस्मिल्लाह रहमान, या अल्लाह। मैं काम अग्नि में जल रहा हूँ, आजा, आजा। चल चल जल्दी कर, जल्दी। याद रहे, जब वो मानव रूप धारण करेगा उसी समय उसका वध करना होगा। तू नहीं बचेगा, अब बचाकर मेरा बदला पूरा होगा। मैं आ गया हूँ।
ऐ शैतान, ऐ ये लो, उस शैतान को खत्म कर दो, ये लो इसमें तो है ना। उस अस्त्र को अरुंधति के खून से भिगोना होगा। अपने खून लगाओ, खून अपने खून से भिगो दो। उसे खून से भिगोना होगा। तू तो पक्का मरेगा रे शैतान। जे जम्मा तेरा अंत जरूर करेगी। जे जम्मा तेरा अंत जरूर करेगी। जे जम्मा भाग के कहाँ जा रही है? तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे माफ कर दो। तेरी ये शैतानी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं अपनी परछाई तक तुझे छूने नहीं दूंगी। नहीं छूने दूंगी, नहीं छूने दूंगी, नहीं छूने दूंगी। अस्त्र को अरुंधति के खून से भिगोना होगा, तभी उस अस्त्र में प्रेतात्मा को मारने की शक्ति आएगी। Thank you.
हुआ मेरे बच्चे क्या हो गया जय जम्मा जय जम्मा जय जम्मा जय जम्मा